अब वक्त है त्वरित दुख का। अपराध जगत और हादसे से जुड़े वो समाचार जो दुख पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन समाचारों के बारे में जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। सुखों में नक्सली हमले पर हुआ बड़ा खुलासा। नक्सलियों के निशाने पर सीआरपीएफ के जवान नहीं थे बल्कि सुकमा के एसपी अभिषेक मीणा थे। हमले के 10 मिनट पहले ही इलाके से निकले थे एसपी। बस्तर रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में किया खुलासा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद मनोज कुमार सिंह के यूपी के बलिया में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के पिता ने मुखाग्नि दी और गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। सुकमा नक्सली हमले में शहीद धर्मेंद्र यादव का पार्थिव शरीर उनके घर यूपी के मऊ पहुंचा। पार्थिव शरीर पहुंचते ही लोग शहीद के आखिरी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। राज्य सरकार की तरफ से मऊ जिले के प्रभारी मंत्री शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए आए थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा नक्सली हमले में शहीद बिहार के अजय यादव का पार्थिव शरीर जमालपुर पहुंचा। तिरंगे में लिपटे शहीद का शव जैसे ही उनके मोहल्ले पहुंचा, नम आंखों से उनके आखिरी दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सुकमा नक्सली हमले में शहीद जवान जितेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार उनके घर के पास ही एमपी के भीड़ में चतुर्वेदी नगर में किया गया। शहीद के 2 साल के बेटे को मुखाग्नि दी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बताया जा रहा है कि शहीद के अंतिम संस्कार वाली जगह पर शहीद पार्क बनाया जाएगा। सुकमा नक्सली हमले में शहीद जवान रामकृष्ण तोमर का अंतिम संस्कार उनके एमपी के मुरैना में गाँव में तरसमा में किया गया। उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी और नम आंखों से अंतिम विदाई दी। उनके गांव वालों ने शहीद रामकृष्ण होली में छुट्टी लेकर घर आए थे। किसे पता था कि परिवार से उनकी आखिरी भेंट होगी। यूपी के लखनऊ में आईएएस अरविंद सिंह देव के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। छापे में 50 लाख नकद और करीब 3 किलो सोना बरामद हुआ है। यूपी के लखनऊ में बीएसपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के बेटे विकास वर्मा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आनन फानन में डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेटा तनाव में था, जिसे तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। बिहार के जम्मू में पटना कोलकाता एक्सप्रेस में यात्रियों से लूट की वारदात। कतौना हॉल्ट के पास बड़ी संख्या में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। अमृतसर के मेडिकल स्टोर में दिन दहाड़े लूट, बंदूक के बल पर दुकान में दी लूट की वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में लूट की तस्वीरें कैद। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।